बिसमिल्ल रन रही वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर सम बैलेंस शीट चैनल्स इन विच देर वॉज अ कैश फ्लो चैनल एंड क्रेडिट राशनिंग चैनल एंड बैलेंस शीट चैनल अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट जो हम चलते हैं वो है अनएंटीसीपेट प्राइस लेवल चेंज अब पहले आप ये समझ लें कि अनएंटिसिपेटेड प्राइस लेवल चेंज होता क्या है इसका मतलब ये है कि जो भी आपके बारोअर्स हैं या लैंडर्स हैं उनके जहन में जो उनकी एक्सपेक्टेशन में प्राइस लेवल का इतना चेंज उनकी एक्सपेक्टेशन में नहीं था जो कि एक्चुअली हो गया यानी कि अनएंटिसिपेटेड प्राइस लेवल चेंज हो गया जब आपकी अनएंटिसिपेटेड प्राइस लेवल चेंज होता है तो याद रखें जो डेट ऑब्लिगेशंस होती हैं जो मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं वो फिक्स होती हैं नॉमिनल टर्म्स में जबकि दूसरी तरफ जो है तो अच्छा अनएंटिसिपेटेड प्राइस लेवल का जब इंक्रीज होता है तो नॉमिनल टर्म्स में तो डेट पेमेंट फिक्स हैं उनकी रियल वैल्यू कम हो जाती है क्योंकि रियल वैल्यू निकलती है जब नॉमिनल वैल्यू को प्राइसेस पे डिवाइड करते हैं तो प्राइस में एक अनएंटिसिपेटेड इंक्रीज आ गया फॉर एग्जाम्पल और नॉमिनल टर्म्स में आपकी डेट पेमेंट फिक्स हैं या इंटरेस्ट पेमेंट फिक्स हैं तो उनकी रियल वैल्यू तो कम हो जाएगी इसका मतलब है जो आपके ऊपर लाइबिलिटी है उसकी रियल वैल्यू कम हो गई यहां पे एक चीज ये भी बताना जरूरी है कि अनएंटिसिपेटेड का वर्ड क्यों यूज किया है हर दफा प्राइस लेवल जो चेंज होता है वो एंटीसिपेटेड हो या अन उसका ये इफेक्ट क्यों नहीं हो सकता हर किस्म के प्राइस चेंज का तो याद रखें अगर ये एंटीसिपेटेड हो कि ऑलरेडी प्राइसेस फ्यूचर में इंक्रीज हो जाएंगी तो याद रखें इससे एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट हाई होता है और मैंने आपको पहले भी बताया है कि रियल इंटरेस्ट रेट और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट मिलके नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बनाते हैं तो अगर पहले से ही एक्सपेक्टेड हो कि प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो फिर तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पहले से ही इंक्रीज हो चुका होगा और एक बारोअर की डेट पेमेंट्स पहले से ही ज्यादा होंगे हम ये कह रहे हैं कि ये एक्सपेक्टेड नहीं था अचानक से प्राइस लेवल बढ़ गया तो नॉमिनल टर्म्स में उसकी डेट पेमेंट्स और इंटरेस्ट पेमेंट्स फिक्स रहेंगी बारोअर की जो वो रीपे कर रहा है जबकि दूसरी तरफ यह है कि उसकी रियल वैल्यू कम हो जाएगी क्यों क्योंकि प्राइस लेवल इंक्रीज हो गया अब दूसरी तरफ इंफ्लेशन के होते हैं हैं अब फार्म्स के जो है के जो वो इन्फ्लेशन साथ एडजस्ट कर सकते हैं जब प्राइसेस इंक्रीज हुई या अनएंटिसिपेटेड हुई तो पहले तो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस इंक्रीज हुई लेकिन थोड़े टाइम लैग के बाद क्या होगा फर्म्स के की प्राइसेस भी बढ़ सकती हैं अब फर्म की लाइबिलिटीज की वैल्यू रियल में कम हो गई जबकि उसके एसेट्स अगर इन्फ्लेशन के साथ या अनएंटिसिपेटेड प्राइस चेंज के साथ एडजस्ट कर जाए तो रियल वैल्यू ऑफ एसेट पर फर्क नहीं पड़ा तो नतीजा क्या हुआ फम्स की नेटवर्थ इंक्रीज हो जाएगी अब हम चैनल डिस्कस कर लेते हैं कि वहीं से स्टार्ट लें कि मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ तो इनिशियली नॉमिनल इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ लेकिन उसकी वजह से रियल इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया और हम ये कह रहे हैं कि रियल इंटरेस्ट रेट कम हुआ इसका मतलब है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जब रियल इंटरेस्ट रेट कम होता है तो अनएंटिसिपेटेड प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाता है क्यों इसलिए कि डिमांड इंक्रीज हो जाती है जब रियल इंटरेस्ट रेट कम होता है लेकिन याद रखें ये सारा चेंज अनएंटिसिपेटेड तो उसकी वजह से गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ती है तो उनकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं जब उनकी प्राइसेस बढ़ती हैं तो चूंकि फर्म की जो डेट ऑब्लिगेशंस हैं उनकी रियल वैल्यू या लाइबिलिटीज की रियल वैल्यू कम हो जाती है तो फर्म्स की नेटवर्थ बढ़ जाती है जब फर्म्स की नेटवर्थ बढ़ जाती है तो कम टेंडेंसी है कि वो मॉरल हैजर्ड में इन्वॉल्व होंगे और दूसरी तरफ जो है वो लेंडर्स के लिए भी आसान हो जाता है सिलेक्ट करना कि किस बार को जो है वो हमने लोन देना है उनकी नेटवर्थ की बेस पे दिया जा सकता है इसका मतलब है एडवर्स सिलेक्शन का प्रॉब्लम भी मिनिमाइज हो जाता है इस दोनों की वजह से फाइनेंशियल फ्रिक्शंस कम होती हैं लेंडिंग बढ़ जाती है जब लेंडिंग बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो एग्रीगेट डिमांड इनक्रीज हो जाती है तो देखें अब ये चैनल इसके अंदर जो स्पेशल चीज है वो क्या है अनएंटिसिपेटेड प्राइस लेवल चेंज अब हम ये करते हैं कि एक और इसमें फर्दर एक चैनल है जिसे हम कहते हैं हाउस होल्ड लिक्विडिटी चैनल अब ये याद रखिए कि जो बैलेंस शीट इफेक्ट करती है वो बैलेंस शीट का जो इफेक्ट होता है रियल वेरिएबल्स पे या लैंडिंग पे या अल्टीमेटली एग्रीगेट डिमांड पे वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि लेंडर्स कितना लेंड करना चाहते हैं रादर वो इस पर डिपेंड करता है कि बारोअर्स या कंज्यूमर्स कितना बारो करना चाहते हैं क्योंकि लेंडर्स अगर कम इंटरेस्ट रेट पे भी लेंड करने को तैयार हो लेकिन अगर बारोअर्स जो हैं वो विलिंग नहीं है बारो करने पे, तो फिर बैलेंस शीट चैनल का कोई मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं आएगा अब यहां पे आपने ये याद रखना है लोगों के पास कंज्यूमर्स के पास दो तरह के एसेट्स होते हैं एक रियल एसेट्स हो गए जैसे हाउसिंग हो गया कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गया गाड़ी हो गई फर्नीचर हो गया ये ड्यूरेबल्स हैं जबकि दूसरी तरफ एक उसकी फाइनेंशियल वेल्थ होती है तो याद रखें अगर कभी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस किसी सिचुएशन हो जाए या कंज्यूमर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में हो जाए तो जो उसके रियल एसेट्स हैं वो एकदम से बिकते नहीं हैं तो वो उसे डिस्काउंट पे बेचने पड़ते हैं जबकि दूसरी तरफ जो है अगर उसके पास फाइनेंशियल एसेट्स हैं तो फाइनेंशियल एसेट्स में यह बात जरूर है कि वो जब आप बेचना चाहें उनकी लिक्विडिटी हाई होती है मार्केट का रेट नीचे आ गया वो एक अलग बात है देखें याद रखें हाउस आपको सिर्फ इस वजह से नहीं कम रेट पे जाएगा कि मार्केट में उसका रेट कम हो गया है बल्कि इस वजह से भी कम पे जाएगा कि उसकी लिक्विडिटी नहीं है फौरी बिकता नहीं है आपको जल्दी पैसे चाहिए तो आपको कम कीमत पे बेचना पड़ेगा मार्केट से भी कम कीमत पे फाइनेंशियल एसेट्स में ऐसा नहीं होता मार्केट का रेट जो भी चल रहा है आप जब चाहे अपना फाइनेंशियल एसिट बेच सकते हैं इसका मतलब यह है कि अगर फार्म के पास या हाउस होल्ड के पास या कंज्यूमर्स के पास फाइनेंशियल ज्यादा हैं यानी कि लिक्विड ज्यादा हैं तो हम ये कह रहे हैं चूंकि हाउस होल्ड लिक्विडिटी चैनल पढ़ रहे हैं इसका मतलब है उनकी लिक्विडिटी बढ़ जाती है और यह स्पेशली हम फोकस कर रहे हैं हाउस होल्ड पे फार्म में भी यह प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन स्पेशली यह फोकस करता है चैनल

फाइनेंशियल एसेट्स हों तो चूंकि वो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में जाने की उनकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है तो इसका मतलब है कि अब उनकी टेंडेंसी है कि अब वो फर्दर अपने पैसे जो हैं वो स्टॉक्स में इक्विटी में या रियल एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकें तो इसका चैनल क्या बनेगा चैनल ये बनता है कि रियल इंटरेस्ट रेट कम हो जाए जो कि मॉनिटरी पॉलिसी के किसी एक्शन की वजह से होगा एक्सपेंशनरी एक्शन की वजह से तो उससे हमने पहले पढ़ा हुआ है कि इक्विटी और स्टॉक की प्राइसेस बढ़ जाती हैं जब इक्विटी और स्टॉक की प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो यह फार्म की फाइनेंशियल एसेट्स हैं इसका मतलब है फाइनेंशियल एसेट्स की प्राइस बढ़ जाती है और हाउस होल्ड जिन्होंने ये इक्विटी या स्टॉक होल्ड किया हुआ है उनका फाइनेंशियली डिस्ट्रेस्ड होने की प्रॉबेबिलिटी कम हो जाती है उनका लाइवलीवुड कम हो जाता है तो इसका मतलब है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है क्योंकि अब वो क्लियर हैं अब वो श्योर sure हैं कि वो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में नहीं जाएंगे लेकिन ये हुआ किस लिए इसलिए कि उनके उनके एसेट्स एसेट्स की जो फाइनेंशियल थे इक्विटी स्टॉक उनकी प्राइसेस बढ़ गई हैं मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन की वजह से नतीजा क्या होगा कि जब हाउस होल्ड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की तरफ जाएंगे तो मैंने पीछे एक लेक्चर में बताया था कि ड्यूरेबल्स आर मोस्टली बेस्ड ऑन क्रेडिट तो इसका मतलब यह है कि फिर हाउस होल्ड के एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे उससे डेफिनेटली क्रेडिट भी बढ़ेगा और इवन अगर वो अपनी सेविंग में से या मॉनेटरी होल्डिंग में से भी ये एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं तो अल्टीमेटली एग्रीगेट डिमांड जरूर इंक्रीज हो जाएगा थैंक यू